मुझे पूरा विश्वास है हमें उस मधुलेखा के खिलाफ ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। हमें बस थोड़ी मेहनत और करनी होगी, थोड़ी कोशिश और करनी होगी। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे जी, एक बात कहूँ आपसे, बातें करके है ना एनर्जी आ जाती है जी, तो फिर चले सबूत के लिए। चलिए शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो परी है वो राजीव को जेल से बाहर निकालने का प्रॉमिस कर चुकी है और यहाँ पर हर वो कोशिश कर रही है कि राजीव को जेल से बाहर निकाल कर ले आए। मधुलिका के बारे में भी वो सुन लेती है जब मधु फोन पर बात कर रही होती है। हमें बस कुछ तो ऐसे में जब मधुलिका को पकड़ती है परी तो यहाँ पर मधु का पति आ जाता है और कहता है हाउ डेयर यू, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तो मधुलिका से कहती है और मधुलिका के पति से कहती है परी, देखो विश्वास करना अपने प्रेम पर अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हें इस लड़के के बारे में पता लगेगा तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन यहाँ पर परी को ही मधु का पति उल्टा सुना देता है और परी भी इसका करारा जवाब देती है चिल्लाकर। वहीं पर आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कोर्ट रूम का सीक्वेंस चल रहा है, राजीव के पक्ष में कुछ भी बात नहीं है, मधुलिका का केस स्ट्रॉन्ग चल रहा है, लेकिन जो परी है वो राजीव के लिए डिटेक्टिव बनेगी, सारी तहकीकात करेगी कि मधुलिका आखिरकार किसके कहने पर ये सब कर रही है, क्योंकि मधुलिका को इससे पहले तो किसी ने देखा नहीं, अचानक से ये सब क्या हो रहा है। खैर, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। Thank you.